अब खबर धौलपुर के सिपाऊ से, गांव तसीमों से, जहां पर एक नाबालिग की अश्लील वीडियो क्लिप बनाकर के वायरल करने का मामला सामने आया। पुलिस ने नाबालिग के पिता रिपोर्ट पर दो नामजद आरोपियों सहित दो अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है। घटना करीब ढाई माह पूर्व की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक नाबालिग का पिता मुंबई में मजदूरी के लिए गया हुआ था। इस बीच में आरोपियों ने इस मौके का फायदा उठाते हुए नाबालिग की अश्लील वीडियो क्लिप बना ली। क्लिप बनाने के बाद में आरोपियों ने घटना के बारे में किसी को भी बताने पर क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल करने की नाबालिग को धमकी करने की धमकी दी, जिसके बाद धमकी से नाबालिग काफी डर गई और उसने इस घटना के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। इधर आरोपियों ने बनाई गई अश्लील वीडियो क्लिप को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इस बीच मुंबई में मजदूरी कर रहे पिता के मोबाइल पर लगभग तीन दिन पूर्व किसी तरह यह अश्लील क्लिप पहुंची। क्लिप देखने के बाद तत्काल वह मुंबई से अपने गांव पहुंचे, जहां उसने अपनी नाबालिग बेटी से घटनाक्रम के बारे में जानकारी ली। बेटी से घटनाक्रम की जानकारी लेकर उसने नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। दिनांक 30 मार्च को एक रिपोर्ट दर्ज की, रिपोर्ट आई थी कि अपने पिता ने, उसके पिता ने रिपोर्ट दर्ज की थी कि उसकी पुत्री का अर्धनग्न अवस्था में वीडियो बना के कुछ लोग